प्रसन्न कुकिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, वो है भेज गोलापुरी। तो फिर चलिए भेज गोलापुरी की तैयारी शुरू करते हैं। भेज गोलापुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोलापुरी मसाला बनाना है। उसके लिए मैंने एक तेजपत्ता ले लिया है, एक चम्मच जीरा ले लिया है, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच तिल, एक चम्मच खसखस, दो लौंग, पाँच छः काली मिर्ची, दो पीस मैंने यहाँ पे दालचीनी ले लिया है, दो इलायची ले लिया है, एक बेड़ीगा कश्मीरी लाल मिर्ची ले लिया है। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट। देखिए मसाला मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को आप एक महीना तक रख के यूज़ कर सकते हैं। देखिए ठंडा हो गया है मेरा मसाला, अब इसे मैं पाउडर बना लूँगी। देखिए पाउडर बना लिया है मैं मसाला का। आप चाहो तो फ्राई करते समय जायत्री जो फूल होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, वो गर्म हो गया है। अब चलिए दूसरा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक चम्मच तेल ले लिया है। तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो खाने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन, चॉप कटा हुआ प्याज। ये सबको हमें थोड़े टाइम के लिए रोस्ट करना है। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें ऐसे उसे चलाते रहना है। देखिए प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चार चम्मच, एक काजू। सबको मैंने अच्छे से भूंज लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक टमाटर। देखिए मसाला मेरा अच्छे से भूंज गया है। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी तो उसके बाद उसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई ले लिया हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म चुका है। एक चम्मच तेल ले लूँगी और भेज गोलापुरी के लिए हमें जो सब्जी चाहिए उसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले पनीर को सौंप लूँगी। मैं यहाँ पे सौंप रही हूँ, आप चाहो तो इसे कच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए पनीर मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए पनीर फ्राई करने के बाद मेरे कढ़ाई में तेल है, उसी तेल में मैं सबसे पहले जो ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए वही सब्जी पकाऊँगी, फूलगोभी, कैप्सिकम, गाजर, बीन। इसे मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसमें बेबी कॉर्न ऐड कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, अच्छे से मिला के इसे थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब देखिए सब्जी मेरा करीबन आधा से ज़्यादा पक गया है। अब इसे मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम पकने में बहुत कम टाइम लगता है। यहाँ पे मैं ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और येल्लो कैप्सिकम ले रही हूँ। आप चाहो तो कोई एक भी ले सकते हो, यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा दिखेगा इसीलिए मैं तीनों कैप्सिकम ले लिया हूँ। अब सबको मुझे थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी ताकि सब अच्छे से पक जाए। देखिए सारे सब्जी मेरा अच्छे से पक चुका है। आप चाहो तो इसे फ्राई करके बनाओ, उबाल के बनाओ, लेकिन टेस्ट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाने की फाइनल प्रोसेस। कढ़ाई पे मैंने तेल ले लिया है। देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बेड़ीगा लाल मिर्ची। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी, एक इलायची,
दो लौंग, 4 काली मिर्ची पता। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो सोते करके हमने पेस्ट बनाया था। अब इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले से ही मसाला फ्राई करके भूंज के रखा है। मसाले को हमने अच्छे से भूंज लेना है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से पका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रोजन कॉर्न और फ्रोजन ग्रीन मटर। मैं पहले से इसे सोता नहीं किया था क्योंकि मेरे पास फ्रोजन था और इसमें पक जाएगा। हम इस सब्जी में आलू नहीं डाल रहे हैं क्योंकि भेज कोल्हापुरी में आलू अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब इसमें मैं कोल्हापुरी पाउडर जो बनाया हुआ था उसे ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास अवेलेबल है तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आपके पास मलाई या फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप इसी टाइम इस पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लूँगी। अब देखिए मसाला मेरा इतना अच्छे से पक गया है, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सोता हुआ वेजिटेबल। वेजिटेबल पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ है। इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी ताकि मसाला और सब्जी अच्छे से मिल जाए और सब्जी में मसाला का टेस्ट चला जाए अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें नमक डाल दिया और इसे अच्छे से मिला के ढक लूँगी। अब देखिए बनके तैयार हो गया है हमारा भेज कोल्हापुरी। कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी उसका कितना अच्छा है। ये खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार बना के देखिए, सबको पसंद आएगा। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, अब सर्व करूंगी। देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। मैं इसमें कलर ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि सेहत के लिए उसे ध्यान रख के मैंने कलर यूज़ नहीं किया है। आप इसे चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा, कुलचा किसी के भी साथ लीजिए, ये बहुत ही अम्मी लगेगा। मैं इसमें धनिया पत्ता का ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो कोल्हापुरी मसाला बनाई थी धनिया पत्ता अगर ऐड करूँगी तो मसाला का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आज का चैनल रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे नया नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।